फ्लेवर था, सो थैंक यू सो मच. सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर पोटैटो चीज बॉल, जिसे आप इवनिंग स्नैक्स एंड पार्टी स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं. चलो चलते हैं और देखते हैं पोटैटो चीज बॉल्स कैसे बनते हैं. सो चीज़ पोटैटो बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज पोटैटो लिए हैं. अब इसे मैश करेंगे. ये देखिए मैश हो गया है. इसे आप ग्रेट नहीं करेंगे, हाथ से मैश करेंगे. अब मैं इसमें बहुत बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ. ये मैंने एक प्याज लिया है, 1 कैप्सिकम. अगर आपकी बड़ी कैप्सिकम है तो आप हाफ ही डालें. चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स. यहाँ मैं कॉर्न्स डाल रही हूँ. ये मैंने मैश कर दिया है कॉर्न्स को बॉईल करके. इसमें मैं ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ. आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं. इसमें अब मैं स्पाइसेस डालूंगी. और पहले मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी 1 टीस्पून. अब हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लिटिल बिट रेड चिली, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, थोड़े से हम इसमें ओरिगैनो सीजनिंग डालेंगे. अब इन सबको मिक्स कर देंगे. जिसे मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे. इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है. अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा डालेंगे. अब हम इसे मिक्स करेंगे. सो अब हमने इसे मिक्स कर लिया है. अब हम बॉल्स बनाएंगे. बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ ली है अमूल की. मैंने क्यूब्स लिया है, आप ग्रेटेड चीज़ भी ले सकते हैं. यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया है. अब इस कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे. सब पानी डाला है, इसे हम मिक्स करेंगे. इसी में हम थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे. बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. बस अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे ताकि हमारे हाथ में कुछ चिपके ना. अब इसमें हम थोड़ा सा बॉल बनाने के लिए आलू लेंगे. अब हमारी बॉल बन गई है. हम इसे थोड़ा सा बीच से प्रेस करेंगे और हम इसमें एक क्यूब डालेंगे और इसके बॉल बनाएंगे अच्छे से. ये हमारी बॉल बन चुकी है. अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर वाला हमने बनाया था बैटर, इसमें हम डिप करेंगे अच्छे से. इसके बाद यहाँ से निकाल के ब्रेड क्रम्स में इसको कोटेड करेंगे. ऐसे ऐसे करके हम सारी अपनी बॉल्स बना के यहाँ रख लेंगे. सारी बॉल्स बन गई हैं. अब हम इसे फ्राई करेंगे. मैंने पैन रखा है, उसमें तेल डाला है, गर्म हो रहा है. अब हम इसे एक एक करके फ्राई करेंगे. देख सकते हैं ब्राउन हो रही है. हम इसे थोड़ा और पकाएंगे. अब हम इसे निकाल देंगे, अच्छे से तेल निचोड़ेंगे. अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे. ऐसे ऐसे करके हम सारी बनाएंगे. ये देखिए ये मैंने फिर से डाल देंगे. अब इसको भी हम वैसे ही सेम प्रोसेस की तरह करेंगे और ये निकाल देंगे. सो हमारी पोटैटो चीज बॉल रेडी है. आप भी इसे जरूर घर में ट्राई करें और टेस्ट करें. सो आप देख सकते हैं ये बन गए हैं हमारे पोटैटो चीज बॉल. अब इसमें से हम देखेंगे चीज. ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मेल्ट हो गई चीज. तो आप भी घर में जरूर ट्राई करें और सबके साथ बैठ के खाएं. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ. तब